अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां चौपन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद किया है, साथ ही 10 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से एक तस्कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मौके से 1 किलो 55 ग्राम हेरोइन व 10 मोबाइल, एक पल्सर बाइक बरामद करने में सफल हुई है। पुलिस ने सभी तस्करों को चौपन थाना क्षेत्र के केवटा मोड़ के समीप से गिरफ्तार किया है। तस्करों में 5 महिलाएं व 5 पुरुष शामिल गिरोह अंतरजनपदीय मादक पदार्थ की तस्करी करता था। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है सोनभद्र से, जहां काफ़ी मात्रा में हेरोइन के साथ साथ आरोपी भी पकड़े गए हैं। सोनभद्र में थाना चौपन पुलिस SOG की टीम ने और सर्विलांस की टीम ने मेहनत करके 10 लोगों के गैंग को पकड़ा है। इसमें 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, जो जनपद में और आसपास के जनपदों में मादक पदार्थ स्पेशली हीरोइन का अवैध धंधा करते हैं और सप्लाई देते हैं। नवयुवकों को भी ये लोग सप्लाई देते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी बिगड़ती है, नशे की आदी होती है। इस तरीके के गैंग को पकड़ा है। इनके पास से 1 किलो से ऊपर हीरोइन पुलिस ने बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया है। इस तरीके के गैंग को पुलिस ने आज बस्ट किया है। इस गैंग में और भी साथी हैं, कुछ लोग फरार हैं, जो चंदौली का रहने वाला है एक उनका साथी, और लोगों की भी हम लोग पहचान करेंगे। उनमें संभवतः कुछ लोग बाराबंकी और लखनऊ से भी कनेक्टेड निकलेंगे। इसमें हमारे जनपद के अभी 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक सोएब नाम का आदमी है, जो बाराबंकी का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ है। तो उसने पूरा प्रक्रिया समझाया है कि बाराबंकी से ये लोग सप्लाई लेके और नवाब नाम के आदमी को दे देते हैं, जो चंदौली का रहने वाला है। नवाब हमारे जनपद में और आसपास के जनपदों में छोटी छोटी मात्राओं में उस हीरोइन को बेच देता है, और फिर वो पुड़िया बनाकर, छोटी छोटी पुड़िया, 1 ग्राम 2 ग्राम की पुड़िया बनाकर वो लोग फिर आगे जो लोग हैं खरीदने वाले, जो नवयुवक हैं या कोई भी आदमी है पब्लिक वाला है, उसको बेचते हैं। देखिए, बाराबंकी में भी इसके संबंध में जांच की गई है, काफ़ी कार्रवाइयाँ वहाँ पर लगातार इन लोगों के ऊपर होती है, और ये लोग इधर भी सप्लाई दे देते हैं। वहाँ पर जो बताया गया है, इसके द्वारा बताया गया है कि पोपी का प्लांट से ये लोग निकालते हैं मॉर्फिन, और उसी से ये लोग इस चीज़ को बनाते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया किस तरीके से लोग करते हैं, कहाँ से लाते हैं, उसको भी जांच में हम लोग लाएंगे आगे। और इसमें बाराबंकी की पुलिस को भी, बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मैं पत्राचार अपनी तरफ से करूँगा कि इसमें जो भी कार्रवाई वहाँ से होनी है, तो कार्रवाई करूँगी।